536 रुपए का ये ऑर्डर है, मेरे पास ऑर्डर आ गया भाई 570 रुपए का। और भाई ऐसी राइड मिल जाओ दो तीन बस। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका न्यू वीडियो में एंड अनदर वीडियो। तो भाई मेरा नाम है कपिल और भाई मेरे पास आ चुका है पोर्टर पे एक ऑर्डर। कितने का है भाई वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। भाई 536 रुपए का ये ऑर्डर है। अगर पिकअप लोकेशन की मैं बात करूँ तो भाई इसकी 3 किलोमीटर पिकअप लोकेशन रहने वाली है। तो भाई टाइमिंग देख लो, 5:59 हो रहे हैं, यानी 6 बज गए पूरे। तो भाई यहाँ से करना है मुझे पार्सल पिकअप। ये खड़ा भाई, आपका नाम क्या है? कपिल। और जो मैं बुक किया था वो नंबर तो अलग है। क्या बात कर रहे हैं? किसका नंबर अलग है? ये नंबर तो अलग है, इस पे कॉल करने पे दूसरा कोई उठा रहा है फोन। 83 98 मेरा ही तो नंबर है, उठाओ करो। देख ये मेरा ही नंबर है। और तो फिर ये नंबर किसका है? कौन सा? इससे पहले एक नंबर दे रहा था, चलिए आप कर लीजिए। नहीं भाई मेरा ही नंबर है, मेरी बात सुनिए। भाई हाँ भाई, ये माल उसको दे देना। अच्छा, और जो आपका पहले पोर्टर का चार्ज होगा ना, हाँ, पहले पैसे ले लेना उसे। ठीक है, ठीक है ना। कहना कि भाई आपका इधर जो मैसेज आपका शो करेगा वहाँ पे, हाँ हाँ, ले लेना। आना कानी करेगा तो माल मत देना भाई। ठीक है भाई, ठीक है ना भैया। फिर अगर नहीं उन्हें पेमेंट दी तो मैं तो हूँ आपके लिए। फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसका पैसा माल का गया मेरे पास। ठीक है, कुछ नहीं करना, ज्यादा बेस्ट नहीं करना है। मतलब पैसे पहले ले लेना। हाँ, मतलब अपना इसका 1500 आ चुका है। अच्छा, कुछ भी किंतु परंतु नहीं करेगा, परेशान मत होइएगा। आप अपने बैग में रखिएगा, कहने की भैया मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बोला कि पोर्टर से हम लोग पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद बोला कि भैया आपका इतना हुआ, पहले प्यार करना। अगर आना का, हाँ वो तो मैं समझ गया, आपका कहने का मतलब है पेमेंट पहले ले लेना उनसे। हाँ, कहने के भैया वो पेमेंट दे दीजिए। ठीक है, उसको मैसेज दिखा देना। ठीक है, ठीक है भाई, उसका नंबर उसमें है भैया। ओके, एक बार एक काम करिए, एक कॉल कर लीजिए कि भाई तुम्हारा मैं वो मटेरियल लेके आ रहा हूँ ग्रेफाइट। हाँ, और ये भी बोलो कि भाई वहाँ पे पोर्टर का पैसा कौन देगा। अच्छा, अभी क्लियर कर लो यहीं से। तुमने क्लियर नहीं करा था क्या भाई? यहाँ से माल डेली जाता है 5 आदमी। अच्छा, लेकिन एक दो बोला फंगा मिलते हैं भाई सब। कहना कि सर तो मटेरियल पंगे वाला बंदा है के? पंगे वाला बंदा है? पंगे वाला नहीं है, फर्स्ट टाइम है भाई। ड्रॉप लोकेशन देख लेते हैं, कितने किलोमीटर दिखा रहा है। 45 किलोमीटर। ये देखो भाई इसने दिखा दिया है, और ये लेके जाना मुझे बवाना भाई। रात हो जाएगी मेरे को वहाँ तक पहुँचने में, तो 1 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है भाई ड्रॉप लोकेशन। तो भाई मैं आ चुका हूँ कस्टमर की लोकेशन पर। चलो भाई, 536 रुपये पोर्टर के। ठीक है सर, 250 रुपये होते हैं। पूछता हूँ, भाई गुरु बहुत पैसे हैं। हाँ भाई, पिकअप भी तो ऐसे ही था, ड्रॉप भी ऐसे ही है। सॉरी, 45 किलोमीटर है ड्रॉप लोकेशन भाई आपकी। आ जाओ भाई, ये अंदर आना पड़ेगा। चेक कर लो एक बार दोस्त। हाँ चेक कर लो आप। तो भाई पार्सल हो चुका है अपना ड्रॉप, और राइड कर देता हूँ मैं एंड 5-स्टार रेटिंग के साथ। और भाई कस्टमर ने 500 रुपये कैश दे दिए, और भाई 34 रुपये कस्टमर ने पेमेंट करिए ऑनलाइन, वो भी दिखा देता हूँ भाई आपको। 34 रुपये कस्टमर ने ऑनलाइन कराया भाई। और देखो अभी इसको बता देता हूँ कमीशन काटने के बाद कितने की अर्निंग हुई है मेरी, 428 रुपये की, यानी 107 रुपये भाई पोर्टर का कमीशन बन गया। जिसमें कि भाई मैं 3 किलोमीटर में पिकअप लोकेशन पर पहुँचा था, और 45 किलोमीटर भाई मैं ड्रॉप लोकेशन पर आया हूँ, तो 48 किलोमीटर के मिले हैं मुझे 428 रुपये। अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में मिलेगा, क्योंकि मैं खड़ा हूँ बवाना। और खाली हाथ तो भाई मुझे भी यहाँ से नहीं जाना, तो ऑर्डर लेके ही जाऊँगा मैं, चाहे कहीं का भी आ जाओ, बट ऑर्डर सही होना चाहिए। मतलब 300 प्लस 250 300 प्लस तो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई मैं 100-150 रुपये के ऊपर अलीपुर चला जाऊँ, तो ऐसा तो करूँगा नहीं मैं। चलो भाई देखते हैं, 10-15 मिनट वेट करेंगे यहाँ पे ऑर्डर आ जाए तो। भाई साहब ये देखो नरेला, पर नरेला कौन जाएगा यार, नरेला।
अरे तू जा रही है? नहीं नरेला नहीं जा रहा मैं, क्योंकि अगर नरेला गया तो फिर वहाँ से तो ऑर्डर मिलेगा भी नहीं भाई। जल्दी से यहाँ से तो ऑर्डर मिल जाएगा मुझे। तो भाई ऑर्डर आ रहा है मेरे पास 218 रुपये का, मंगलम प्लेस रोहिणी। अरे यार ये गया, अब ये ऑर्डर भी नहीं आएगा कोई। ये टाइमर जो है ना भाई, जिंदगी खराब कर देता है राइडर की। और भाई 10 मिनट वेट करने के बाद मेरे पास ऑर्डर आ गया भाई 570 रुपये का। देखो भाई पैसा ही पैसा हो गया। और ये जो छोड़ना है मुझे छतरपुर और बवाना से ही पिकअप करना है, और उसकी पिकअप लोकेशन देख लेते हैं भाई, 3.2 किलोमीटर। तो चलते हैं भाई, करते हैं इसको जाके पिकअप। तो भाई मैडम से लेना है पार्सल, पिकअप करना है। तो भाई ये है पार्सल, और राइड कर लेता हूँ मैं स्टार्ट, और देख लेते हैं भाई ड्रॉप लोकेशन कितने किलोमीटर की दिखाता है। तो 51 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन दिखा दिया इसने मुझे। चलो भाई करते हैं जाके इसको ड्रॉप। तो भाई यहाँ पे जाके करना पड़ेगा पार्सल डिलीवरी अंदर। और भाई राइड कर देता हूँ मैं एंड, क्या ना कि भाई जो 10-15 मिनट हमारे बचेंगे इतना ऑर्डर भी आ सकता है हमारे पास, है ना। और भाई ऐसी राइड मिल जाओ 2-3 बस, मज़ा आ जाए राइड करने में, है ना। और भाई देखो 114 माइनस हो गया इसमें से। तो भाई पार्सल हो गया अपना डिलीवरी और पेमेंट आ चुकी है, दिखा देता हूँ भाई आपको। तो भाई देखो 570 आ चुका है पेटीएम में। भाई देखो 10:41 हो चुके हैं, और मुझे लगता है ऑर्डर आ पाएगा। अगर आएगा तो भाई उठा लेंगे, बाकी यहाँ 10 मिनट तो मैं वेट करूँगा ही पक्का भाई। देखो भाई ट्रैक्टर 3 की आ रही है राइड मेरे पास गुड़गांव की, बट मुझे उस साइड जाना नहीं है भाई गुड़गांव, क्योंकि यार फिर खाली आना पड़ेगा, 11 बजने वाले हो रहे हैं। तो भाई मेरे पास आ चुकी है रैपिडो पे एक राइड बदरपुर बॉर्डर फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद कहाँ रहते हो? मैं तो भाई सादरा रहता हूँ, फरीदाबाद नहीं रहता। 4 नंबर है ना, और पी दे दो। हाँ कितना है बताओ भाई? 09 09 76। हेलो हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं ये भाई? मेरे पास ओला की राइड आ रखी है, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। बैठ जाओ भाई। तो भाई बाइक की जो लोकेशन दिखा रहा है 21 किलोमीटर, वो टाइमिंग दिखा रहा है भाई 42 मिनट, देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। और भी आ गया 230 हो गए भाई, वो बंदा नेक्स्ट राइड आई पड़ी है मेरे पास, और वो बंदा बेचारा वेट मैं वेट कर रहा हूँ पहुँच के कर दूँ 30 रुपए। लो भाई लो 200 कर दूँ, 30 रुपया घर पहुँच के कर दूँ। नहीं कैश दे देना, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम तो कैश मेरे जेब में देख लेता हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं घर जाके घर मेरा ये नाला पार करना पड़ेगा, आप जाओ मैं डाल देता हूँ। क्या करते हैं? मैं डाल दूंगा ऑनलाइन, ठीक है? भाई देखो बंदा मेरे को घर पे ले गया आया, ठीक है? पता नहीं कौन से जंगल में ले गया आया, मेरे को आइडिया नहीं है। फरीदाबाद वाला रूट से आया हूँ मैं, और भाई यहाँ पे ले गया, कहने लगा भाई मेरे को घर में ही छोड़ गया। मैंने चलो भाई ठीक है घर में छोड़ आऊँगा। ये देखो रास्ता देखो भाई, बंदा गली गया बाहर तक नहीं उतरा, करा मेरे को घर पर ही छोड़ गया। 30 रुपये रह गए बंदे पे, कहने लगा भाई मैं घर जाके कर दूंगा। मैंने कि मुझे पता था ड्रिंक कर रखी है भाई उस बंदे ने, तो वो नहीं करेगा। और भाई अब चलना है, दूसरी राइड आ चुकी है मेरे पास।
हाँ भाई बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई, जाना कहाँ गाजियाबाद में? क्रॉसिंग रिपब्लिक। ओटीपी बता दूँ भाई 2020। बैठ दो। यहाँ से राइड मिल जाती है भाई? वो तो मैं भाई को छोड़ने आया था समारोह, मैंने भी उठा ली। दो सौ 77 पेटीएम कर दूँ? पेटीएम अभी मेरे चल नहीं रहा, किसी और के पे करा लो भाई। कैश मेरे पास भी 500 का ही पड़ा है। तो अपना मैं पटक के मैं आज क्या नाम है भैया? मोहम्मद सरफराज। तो भाई 277 रुपये की राइड थी जिसमें कि मेरी अर्निंग हुई है 262 और मेरे को गाड़ी चलानी पड़ी है भाई 24.5 किलोमीटर। तो भाई मेरे पास आ चुकी है रैपिडो पे और राइड रेसर के नाम थे, और भाई को जो छोड़ना है वो छोड़ना है मेरे को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, और वो यहाँ से होगा कम से कम 6-7 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी मेरे को आइडिया नहीं है। ओटीपी लोकेशन 5.5 किलोमीटर। बैठ दो भाई। हाँ भाई हाँ, चैनल खोलो का तभी तो ब्लॉगिंग करता हूँ भाई, बिना तेरे अपने ब्लॉगिंग का क्या फायदा? होने वाला है भाई, अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा। रिएक्शन देखो उसका, और एक बनी भाई यहाँ से तो राइड मिल लेनी है मेरे को। चलो भाई 70-66 उठा लेते हैं। ओटीपी बताओ भाई। 11-93 बैठो भाई। Head southeast on railway station road. इसको कर देता हूँ एक टाइम। चलो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भाई 119 की राइड थी और 111 रुपये की अर्निंग हो चुकी है मेरी इस राइड पे। देखो भैया ऑर्डर आ रहा है पोर्टर पे, वैशाली ड्रॉप और वैशाली से पिकअप करना है, 85 रुपये का ये ऑर्डर है। चलते हैं भाई, करते हैं इसको पिकअप, और इसकी पिकअप लोकेशन दिखा देता हूँ भाई आपको। 1.6 किलोमीटर ओनली। सपना तो नहीं देख रहा ना। हेलो वो भैया, आप राइड जो बुक कर रही है ना पोर्टल से, आप कहीं भी नहीं है भाई, उस पे जो सिगरेट दुकान होगा सिगरेट उठा लो कहीं से। भाई ऑर्डर भी तो आया था, देखो कैसा कस्टमर मंगा रहे हैं मेरे से सिगरेट, अब बताओ रात के टाइम पागल समझ रखे हैं इन लोगों ने मुझे। भाई मेरे पास राइड आ चुकी है नीतू के नाम से, और जो मैडम को छोड़ना है भाई झिलमिल, और भाई ये मुझे ये नहीं पता कि भाई है या मैडम है, क्योंकि क्या करते हैं भाई कस्टमर लड़की के नाम से राइड बुक कर लेते हैं ताकि राइडर जल्दी उठा ले।
और भाई कुछ राइडर जो होते हैं वो उठा भी लेते हैं भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रैपिडो नीतू 1459 बैठ जाओ। Take the next left toward Romilly Law Maiden Lane, then turn right onto Romilly Law Maiden Lane. 101 हो गए, मैंने 63 किए थे। कितने और कर दूं? 35 रुपए कर दो। हैं? 35 रुपए। हो गए भी। ठीक है। तो वही 101 रुपए की राइड होगी अपनी। मैडम ने 63 पहले कर दिए थे और 35 मैंने अब करा लिए हैं। तो 2-4 रुपए का फोटो मान घनी बड़ी बात नहीं होती। तो भाई टाइमिंग देख लो 4:55 और भाई इसको कर देता हूँ मैं बंद। मैं आ चुका हूँ भाई अब घर पे। तो भाई आज की अर्निंग की बात करें तो भाई 1682 रुपए की अर्निंग हुई है टोटल आज की। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो भाई 11.25 घंटे लग गए मेरे। अगर मैं पोर्टर पे बात करूँ तो भाई 884 रुपए की मेरी पोर्टर पे अर्निंग हुई है और 798 रुपए की मेरी रैपिडो पे अर्निंग हुई है। अगर मैं तेल का खर्चा निकाल के बात करूँ तो भाई 1382 रुपए की अर्निंग हुई है, जिसमें कि भाई मेरा 300 रुपए का पेट्रोल लग गया। अगर गाड़ी के किलोमीटर की बात करूँ तो भाई 160 किलोमीटर की मेरी गाड़ी चली है। और भाई मैंने ओला पे राइड इसलिए कैंसिल करी है क्योंकि उसमें क्या है भाई अर्निंग जो है वो डाउन हो रही है। यानी अगर मैं 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ तो भाई उसमें मेरे को मिलेंगे 150 या 160 रुपए, जिसमें कि अगर मैं रैपिडो चलाता हूँ तो 190-195 रुपए मेरे को रैपिडो पे मिल जाते हैं, जिससे कि मेरी अर्निंग अच्छी भी होगी और भाई ऑर्डर भी मेरे को अच्छे मिल गए। तो आई होप के भाई आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।